आइए और जानकारी। सर आपका नाम? नरेंद्र खंपरिया। नरेंद्र खंपरिया। राज अध्यापक संघ वैसे 284,000 अध्यापक वर्तमान में मध्य प्रदेश में काम कर रहे हैं, पंचायती राज विभाग का शिक्षकीय कार्य कर रहे हैं, बेहतर काम कर रहे हैं, एक समान काम कर रहे हैं, लेकिन सुविधाएं और पंचायती राज के नाम से उनके साथ बहुत भेदभाव किया जा रहा है। जो शिक्षक का उनको सम्मान मिलना था, जो शिक्षक की उनको सुविधाएं के वो हकदार हैं, जो वो परिणाम दे रहे हैं वो नहीं मिल रहा है। जब आप लोगों की भर्ती की गई थी तो योग्यता का कोई मापदंड रखा गया था आपके साथ? हाँ, योग्यता का मापदंड वही था जो अन्य नियमित शिक्षकों का मापदंड था कि हायर सेकेंडरी होना चाहिए, बीए डीएड होना चाहिए, ट्रेंड होना चाहिए। हम पूरी योग्यता मापदंड है पहचानित होके आए हुए हैं। सिवा राजनीतिक मापदंड है, सरकार ने अलग रख दिया कि ये पंचायत वाले शिक्षक हैं, ये शिक्षा कर्मी हैं। जब काम एक समान है, एक समान काम कर रहे हैं, एक समान दक्षता के साथ काम कर रहे हैं, वही काम कर रहे हैं जो अन्य नियमित शिक्षा विभाग के शिक्षक काम कर रहे हैं, तो अध्यापकों के साथ शिक्षा कर्मियों के साथ ये भेदभाव क्यों? हम इस वाली बात को लेके करना चाहते हैं कि वास्तव में शिक्षकों के साथ अगर भेदभाव किया जाएगा, अध्यापकों के साथ भेदभाव, तो निश्चित तौर पर गरीब का बच्चा जो वास्तव में शिक्षा प्राप्त करने का हकदार है सरकारी स्कूलों में, उनके साथ भी न्याय नहीं हो पा सकेगा। तो आपकी मांगे क्या है, मुख्य मांगे क्या है? हमारी मुख्य मांग है कि टुकड़ों टुकड़ों में अलग अलग जो बार बार कह रहे हैं कि हम ये सुविधाएं दे दिए, ये सुविधाएं दे दिए, हम भी एक समान रूप से सुविधा पाने के हकदार हैं। शिक्षा विभाग में सम्मिलियन अध्यापकों का किया जाए, अध्यापक उसका हकदार है, वो परिणाम दे रहा है और अध्यापक बेहतर ढंग से शिक्षा का कार्य मध्य प्रदेश में करना चाहता है। सुविधा, जो अभी सुविधा का नाम लिया आपने, वो कौन सी सुविधा आप लेना चाहते हैं? भाई वो सुविधा जो नियमित अध्यापकों को, कि हमको पेंशन मिले, हमको ग्रेजुटी मिले, हमको बीमा मिले, जब एक श्रमिक का बीमा हो सकता है, बच्चों को जिनको पढ़ाते हैं उनका भी बीमा हो सकता है, तो उनको पढ़ाने वाले शिक्षकों का बीमा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, ये प्रदेश की, मध्य प्रदेश की सरकार, शिवराज सिंह सरकार बताए कि जब शिक्षक असुरक्षित होकर काम करेगा तो कितना उसको सम्मान समाज से मिल जाएगा। लेकिन प्रधानमंत्री जी तो ये कहते हैं सबका साथ सबका विकास। हाँ, तो सबके साथ में लेके हम सभी बच्चों को समान शिक्षा भी देने की बात कर रहे हैं ना, कुछ गरीब के बच्चों को भी, किसान के बच्चे को भी समान शिक्षा मिलना चाहिए और समान शिक्षकों के साथ भी समान बर्ताव करो। जब कुछ शिक्षकों को आप पूरी सुविधाएं दे रहे हो, पेंशन दे रहे हो, ग्रेजुटी दे रहे हो, पूरा वेतन दे रहे हो, तो जो 21 वर्ष पहले पंचायती राज के तहत जो आपने शिक्षक नियुक्त किया उनके साथ ये भेदभाव क्यों कर रहे हो? उनके साथ भी समान होना चाहिए ना, सबके साथ एक सा बर्ताव होना चाहिए, एक सी सुविधाएं मिलना चाहिए। आपने इससे पहले और कहीं अपना एक ज्ञापन दिया, क्योंकि ये तो भारत की राजधानी दिल्ली के अंदर, क्या राज्य सरकार ने क्या आश्वासन दिया आपको? हमने बार बार अपनी वाली बात को प्रदेश सरकार को बतलाया है, जो एक शिक्षक को सम्माननीय ढंग से अपनी वाली बात रखना चाहिए अपना काम करते हुए, वो प्रदेश सरकार को बतलाया है। प्रदेश सरकार केवल हमको आश्वासनों का झुंझुना पकड़ाती है कि अगले बार मैं आपको, अब हम सुविधाएं और बढ़ाएंगे, आपको छठवां वेतन मान देंगे, आपको पेंशन देने के बारे में विचार कर रहे हैं, लेकिन सिवा झुंझुना के, सिवा आश्वासन के, अभी तक 21 साल में विभिन्न सरकारों ने मध्य प्रदेश के अध्यापकों के साथ कोई न्याय नहीं किया। मजबूर होके अंतिम न्याय के लिए हम दस्तक देने के लिए सबका साथ सबका विकास का नारा देने वाले माननीय प्रधानमंत्री जी के दरबार में प्रदेश के अध्यापक आए हैं, शायद उनके साथ भी न्याय होगा। आगामी योजना आपकी क्या रहेगी? हमारी आगामी योजना ये रहेगी, शिक्षक अपनी वाली बात रखेगा, अगर हमको इस न्याय के मंदिर में माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा हमारी वाली बात अगर सुनी जा रही है तो हम धन्यवाद देंगे और ये संदेश जन जन तक पहुंचाएंगे कि माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे साथ न्याय किया है और सबका साथ सबके विकास के साथ प्रदेश, मध्य प्रदेश के अध्यापकों के साथ भी न्याय किया है।